नमस्ते एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन। फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और आज अपने इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि दो दिन के भयंकर आंधी तूफान के बाद मैंने जो सफाइयाँ की हैं उसके बाद गार्डन किस तरह से दिख रहा है। और है ना, कुछ अपना कलरफुल क्रिएशन भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। गर्मियों में अपनी छत पर कुछ कलर्स ऐड किए हैं, ये मैंने इस तरह के प्लांटर्स बना के बॉटल्स के, और इसमें सदाबहार और 9 o'clock बहुत ही अच्छा लगता है। पूरे 4 घंटे लगा के मैंने आंधी तूफान के बाद अपनी छत की पूरी सफाई कर दी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर मैं आप लोगों से करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्यों, और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करें जिससे आपको नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं एक वीडियो पहले ही जो बात बता चुकी होती हूँ वही लोग कमेंट में दोबारा पूछ रहे होते हैं, तो इससे आपको लोगों को भी आसानी होगी उस प्रॉब्लम के बारे में पूरा सॉल्यूशन पाने में। और ये देखो, रोज़ मैंने आंधी तूफान के बाद ये मेरे गिर गए थे, 2-3 प्लांट्स स्टैंड्स पे लगे हुए थे जो सिंगल वाले स्टैंड्स पे, तो चेंज करके फिर मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब तो गर्मियों में ऐसा होगा कि मैं ज़्यादा तेज़ जब धूप पड़ेगी तो यहाँ इनको सेट कर दूँगी इसके नीचे, स्टैंड के नीचे। गुलाब बचाने का एक तरीका है ये। चाय की पत्ती मेरी सूखती हुई आज सुबह की भी मैं ले आई थी। और ये देखो आप, बड़े कलरफुल लग रहा है मेरा ये जो चबूतरा बना हुआ है बीच में। और इसके नीचे मेरे 9 जो रोज़ हैं वो पूरे आ जाएंगे मुझे लगता है। अभी तो मैंने ये 5 ही रखे हैं। और गर्मियों में मैं ऐसा करूँगी, बहुत तेज़ जब धूप आएगी तो इसके आगे जो है पर्दा लगा दूँगी, ग्रीन वाला ग्रीन नेट लगा दूँगी, जिससे पीछे ये गुलाब ठीक से है ना सर्वाइव कर जाए धूप में, बहुत तेज़ धूप में, है ना। और अभी इनमें काफ़ी रोज़ेस आ रहे हैं तो ये सुंदर भी लगेंगे यहाँ रखे हुए। अभी तो नहीं लगाऊंगी खैर मैं ग्रीन नेट, उसके बाद मैं लगा दूंगी इस तरह से इसको। आगे बढ़ते हुए तो ये देखो आप, थोड़े से ये बेल डिस्टर्ब हो गई हैं, काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आया था हमारे यहाँ, 2 दिन तक आया लगातार, और एक दिन तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ आया। और ये मैंने यहाँ पर अलग कर दिए हैं ये अपने स्नेक प्लांट जो है, बहुत अच्छी है ना, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं ये, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स में सबसे नंबर 1 पे ये आते हैं। अंदर भी आप रख सकते हैं अपने ना घर में इनको। यहाँ पे ये खरबूजे की बेल है और ककड़ी की बेल है, कुछ डिस्टर्ब हो गई हैं ये क्योंकि बहुत अच्छे से बांधी हुई नहीं थी, मैंने अभी बढ़ना ही शुरू किया था इन्होंने, आज मैं इनका भी काम करती हूँ। और एक बार जब ये तेज़ से हवा या तूफ़ान चलता है ना उसके बाद बहुत मिलीबग का और उसका अटैक भी साथ में होता है। भिंडियाँ मैंने शिफ्ट करनी शुरू कर दी हैं, अब लास्ट मेरा जो है खाली हो गए हैं ये ग्रो बैच, 3 नहीं चलेंगी हालांकि ये मेरे भिंडी के प्लांट्स तो 10-10, 12-12 फीट लंबे हो जाते हैं। और ग्वार ने तो बिल्कुल मना किया हुआ है मैं नहीं आऊँगी, 3 बार मैं बो चुकी हूँ अभी तक नहीं आया है, वो सीड मेरा ठीक नहीं निकला। या तो पूसा नोवा वाला मैंने मंगाया था, बढ़िया वाला, बल्कि चीकू में फूल आने लगे हैं, और पिछली बार भी 1-2 आए थे, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार अगर बनते हैं तो मैं रहने दूंगी। पहली बार का काम ख़त्म हो चुका है। और ये मेरे संतरे के प्लांट में, किन्नू के में, वेरी सैड, सारे आंधी से जो बचे कुचे थे जिनका मुझे लग रहा था कि 2-3-4 तो बनेंगे, वो नहीं बन पाए हैं। खैर कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम था तो वैसे भी मैं नहीं लेती उनको। अनार का पेड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मेरा, मुझे लग रहा है ये ऊपर से जो ज़्यादा बढ़ने लगा है वो मुझे काट देना चाहिए, क्योंकि मैं को थोड़ा सा कम पसंद आता है छत पे आप बहुत ज़्यादा लंबे लंबे प्लांट्स लगाएं। बहुत अच्छी ग्रोथ ली हुई है इसने, और इसने अमरूद ने भी, थाई जो हुआ हुआ है मेरा, बहुत अच्छी ग्रोथ ली हुई है इसने भी, हर टहनी पे इसके पे फूल आए हुए हैं अभी, तो मुझे लग रहा है गर्मी में ये काफ़ी अच्छे अमरूद प्रोड्यूस करेगा। बड़ा सुंदर फ्लावर होता है इसका, पिंक कलर का। हर टहनी पे इसकी पैना फ्लावर आए हुए हैं और काफ़ी सारे हैं। तो पिछली बार भी खैर मैंने 10-15 तो अमरूद इससे लिए थे, और अब इसको 1.5 साल के करीब हो गया है मुझे लाए हुए, तो अब ये अच्छा बढ़ने लगा है। इधर इस सेक्शन में अगर आएँ तो
चौले की फली की बढ़त इस बार मेरी पिछली बार से थोड़ी धीरे है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों सीड्स में कई बार चेंज हो जाता है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि अप्रैल में मैंने चौले की फली ले ली थी अपने, उससे हो सकता है इस बार भी ले लूँ क्या, क्योंकि मई जून में थोड़ी सी मुश्किल होती है आना। लौकी की बेल अच्छी बढ़ती हुई और सबसे बढ़िया पालक बढ़ता है मेरा इस टाइम पे, सर्दियों में भी इतना अच्छा नहीं आता जितना है ना अभी आता है मेरा इस टाइम पे, फरवरी से अप्रैल मई के बीच में। और ये कुछ छोटे मैंने अपने जो एक्स्ट्रा मेरी बेलें थी जो अब कहीं शिफ्ट नहीं हो रही थी वो उतार के रख लिए हैं छोटे गम पॉट्स में, कई बार इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है कोई बेल मरती है तो काम आ जाती हैं। इसमें मिर्ची टमाटर पालक ब्लैक बीन्स लौकी खीरा सब कुछ लगा हुआ है और सब कुछ बहुत बढ़ रहा है। देखो खीरे में तो आने लगे हैं फीमेल फ्लावर्स, और कल सफाई के चक्कर में ये मेरा हैंड पॉलिनेशन से चूक गया है तो आई होप हो गया हो इसमें। कई बार ऐसा होता है आप थोड़े ज़्यादा बिजी होते हो तो फ्लावर्स निकल जाते हैं, बड़े फ्रूट्स को मैं है ना खुद हैंड पॉलिनेशन करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सब अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं इसमें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। और अब टाइम आ गया है कि है ना मैं इसमें थोड़ा सा है ना सूखा फर्टिलाइज़र दूंगी अपना आज या कल में, एक एक दो दो मुट्ठी हर प्लांट के लिए वर्मी कंपोस्ट में चाय की पत्ती और है ना जो है सीवीड एक्सट्रैक्ट मिला के। एक डोज दे दूंगी मैं इनको क्योंकि अब अप्रैल शुरू होगा तो लिक्विड फर्टिलाइज़र पर मैं थोड़ा सा कम है ना डिपेंड करूँगी। ये पुराना अमरूद मेरा काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ, ये भी गर्मियों में ज़्यादा फ्रूटिंग करते हैं और फिर लेट तक ख़त्म होती है तो सर्दियों के फ्रूट्स थोड़े से परेशान होते हैं। इसमें मैंने हल्दी डाली हुई है, अदरक भी डाल दी थी एक दो गांठ। देखो अब अप्रैल का टाइम शुरू होगा ना उसके बाद ये सब चीज़ें लगनी शुरू होंगी, अदरक हल्दी और है ना अप्रैल से ही शुरू होती हैं मोस्टली तो। और ये 24 इंच का जो मेरा ग्रो बेड था अभी मेरे फ्रूट्स के किसी के भी काम नहीं आ रहा, मैंने सारे शिफ्ट कर दिए थे तो मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन है ना इसको सब्जियों में काम में लिया जाए। और ये देखो लीफ माइनर के लिए किसी ने पूछा था कि आपके यहाँ भी दिख रही है, हाँ दो तीन दिन अगर चूक जाते हो आप तो थोड़ा बढ़ जाती है, इस टाइम पे अटैक होता है सारी चीज़ों का तो आप थोड़ा ध्यान ही रखें, बस अपनी तरफ से ना नीम ऑयल क्लोव ऑयल वगैरह मिला के स्प्रे करते रहें तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ पाती फिर बहुत ज़्यादा, और पत्तियाँ नीचे से हटाते रहें हमेशा अगर ज़्यादा जो आपको लग रहा है ना कि इफेक्टेड हैं तो उनको हमेशा हटाते रहें। ये कद्दू की बेल लौकी लाटू घिया लगी हुई है, इसमें कट्टों में भी लगा रखी है मैंने चीज़ें, रस्सी मैंने निकाल के रखी थी थोड़ी सी और बांधने के काम आएगी इधर बेल वगैरह में, हालांकि काफ़ी अच्छा मैंने इंतज़ाम कर दिया है इनका। ये करेले की बेल है मेरी, करेला बहुत जल्दी शूट करता है। अब बेलें परिपक्व होने लगी हैं तो मैं फिर से उम्मीद कर सकती हूँ कि अप्रैल से मुझे है ना वेजिटेबल्स अच्छे से मिलने लग जाएंगी, क्योंकि है ना हर बार यही टाइम होता है जब आप अच्छे से वेजिटेबल्स ले सकते हैं अप्रैल और आधा मई तक, फिर बहुत तेज़ गर्मी होने लग जाती है। तो कोशिश यही करें कि आप अपनी गर्मी की वेजिटेबल्स की बेल अप्रैल तक बिल्कुल परिपक्व आपकी होके तैयार हो जाए। अरबी मैंने इसमें गाड़ तो दी है, अब देखो जब भी निकलने का टाइम आएगा अपने आप आ जाएंगी, वो हल्की नमी बना के रख देती हूँ मैं। इसका पालक मेरा उसमें कीड़ा आया हुआ था ख़राब हुआ है, अदरक बोने वाली हूँ मैं इसमें, और ये भी हल्दी और अरबी के काम आने वाली है टंकी गर्मियों में। यहाँ पे मेरा आंधी से ये घिया का प्लांट लौकी का टूट गया है ख़राब हो गया है, मतलब अभी तो मुझे जो भी चीज़ के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है मैं इसमें से निकाल ले जाती हूँ, बिल्कुल तैयार होती है क्योंकि इसकी मिट्टी। और इस तरह से कुछ ये अब जंगल बनने लगा है धीरे धीरे, गर्मियों में इस सेक्शन को मैं आबाद कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी देर से आती है धूप, मेरे बैठने को जगह मिल जाती है मुझे इधर।
और ये देखो आपको दिखाऊं मैं आंधी तूफान में जो मेरा नुकसान हुआ था, ये सिंगल मेरे स्टैंड्स पे जो रोज़ लगे हुए थे, तो कॉर्नर पे जहाँ से वो एकदम से झोंका आता है हवा का, आंधी का, तो वहाँ से ये गिरे हैं। और इतना गंदा है ना, छत हो रही थी मेरी, 3-4 घंटे लगा के मैंने ना साफ़ किए, ये 2 रोज़ के मेरे पॉट्स जो हैं टूट गए थे, सब तरफ कचरा ही कचरा। सफाई में लगी थी मैं बस कल पूरा दिन, पूरा टाइम। ये देखो ये कर दी थी मैंने सुबह सुबह। हालांकि आज भी आशंका थी आने की, पर फिर भी मैंने सफाई के बिना नहीं रह सकते, इतना गंदा रूफटॉप देखा नहीं जाता, तो मैंने साफ कर दिया था कल ही पूरा। और ये चौले के इसमें, और ये भिंडी थोड़ा स्लो ग्रोथ ले रही है मेरी भिंडी इस बार। यहाँ पे ये मैंने कुछ डायनथस वगैरह उठा के रख दी हैं अपने डॉग फ्लावर वगैरह, क्योंकि अभी यहाँ पे पूरी धूप नहीं है ना, तो ये ठीक चल रहे हैं, फिर छाया में फ्लावर्स आते रहते हैं इनमें। तो कुछ खिला खिला वो बना रहता है। हालांकि 9 o'clock की बहुत भार आई हुई है, और मैं अपनी नर्सरी गई थी तो वहाँ से हर तरह का जो कलर का उनके पास था वो एक एक वो प्लांट ले आई थी, छोटा 5-5 rupees के जो आते हैं, तो वो इतना फैलने लगा है अब बहुत ज़्यादा। और 9 o'clock के कलर्स आप कुछ भी बोलो, जैसे होली के कलर्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे लगते हैं, देसी बिल्कुल खिले खिले अच्छे से। और ये दूसरा पोर्शन मेरी छत का, नीट एंड क्लीन तुरई का सेक्शन। और यहाँ पे ये मैंने अपनी रेड वाली जो कैप्सिकम है, एक्स्ट्रा पॉट थी, वो निकाल के रख दी है। कुछ बैंगन भी लगाए हुए हैं मैंने, तरबूज के पेड़ नहीं लगा पा रही हूँ मैं, क्योंकि जहाँ पे भी मैं ना उनको निकाल के एडजस्ट करती हूँ वहीं से मर रहे हैं वो पेड़। आगे मैं धनिया लगाया हुआ है, मेरे को बहुत सक्सेसफुल रहा है ये कॉर्नर्स पर धनिया और पालक लगाना। और ये मैंने अच्छा सा इंतज़ाम कुछ किया हुआ है देसी साइज़ का तुरई की बेल चढ़ने का। ये फ़िश टैंक है मेरा 4 feet का, इसमें मैंने 4 बेल लगाई हुई हैं तुरई की, अच्छी ग्रोथ ले रही हैं अब ये बेल। एक बार बढ़ना शुरू करती है तो बहुत जल्दी है ना ग्रोथ ले लेती है। और ये जामुन का मेरा पेड़ जो मैंने लगाया था, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है इसमें, और इसमें भी एक तुरई लगी हुई है जो सबसे पहले लगी थी, और आप ये देखो ये बहुत ही अच्छी बढ़ गई है पिछले 1 हफ्ते में, पूरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तुरई से बस मैं थोड़ी डरती हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरी तुरई में वायरस आ रहा है और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते, तो मैं इस बार बचा के रख रही हूँ थोड़ी सी, थोड़ा सा डाइल्यूटेड छाछ का स्प्रे भी मैं इस पर करने वाली हूँ। और ये देखो दूसरा 24 इंच का ग्रो बैग, जिसमें मैंने बड़े ही आराम से, मैंने कहा अंदर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारा जो मेरा छत का उतरता जा रहा है ना सर्दियों वाला, जो अभी तक भी मेरे क्योंकि पिटूनिया के प्लांट्स निकल रहे हैं, वो देसी वाला जो मेरा लगा हुआ है, तो सब इसमें भरती जा रही हूँ। पानी का इंतज़ाम कर लिया है मैंने गर्मियों के लिए। और यहाँ पे मैंने ये सारे सिंगल स्टैंड्स रख दिए हैं अपने, क्योंकि गर्मियों में मोस्टली मैं नहीं लगाती, रोज़ हमारे यहाँ अंदर चलती हैं, रोज़ है ना आंधी तूफान का मौसम हो जाता है। और थाई मैंगो फूट गया है, बहुत ही बिग रिलैक्स मिला है मुझे ये, अपन मुझे लग रहा था कि ये प्लांट मैंने खो दिया है थाई मैंगो वाला, पर अब ठीक हो गया है ये। और ये एप्पल बेर भी अच्छे चलते हुए, एक्जोटिक फ्लोरा से जो भी मैंने प्लांट्स मंगाए थे सब बढ़िया चल रहे हैं। ये फालसे का है, मतलब लग गए हैं सब बहुत अच्छे से, तो ये एक बिग रिलीफ है कि आपने इतने महंगे प्लांट्स खरीदे थे और वो अब लग गए हैं। ये नर्सरी से लाया हुआ मेरा दशहरी मैंगो का प्लांट अच्छा बढ़ गया है अब, सबकी शिफ्टिंग कर दी थी मैंने। और ये मेरी अलमांडा की बेल, बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे अलमांडा, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी ये लगती है कि भरी गर्मी में भी खिलते हैं ये पूरी धूप में। ये एक बालकनी में भी लगा हुआ है, उसकी भी 1-2 टहनी ऊपर तक आ गई है, बहुत प्यारा लगता है मुझे। मोगरा, अलमांडा, टिकोमा, ये सब मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये भरी गर्मियों में इनके फ्लावर्स खूब आते रहते हैं। और यहाँ पे ये मैंने शिफ्ट करके कुछ 3-4-5 यहाँ पे भी लगाए हैं अभी रोज़, इनको भी ज़्यादा गर्मी में वहीं शिफ्ट कर दूँगी मैं स्टैंड के नीचे। मोगरा यहाँ पे मैं ज़रूर खड़ी होती हूँ सुबह 5 मिनट आके, इतनी प्यारी खुशबू होती है इसकी,
अच्छा लगता है बहुत। और ये टिकोमा सड़क के किनारे से मैं कुछ टहनी लेके आई थी, वही लग गई थी मेरी ये 1 साल पहले, और अब इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें। 2-3 जगह लगा दी थी मैंने, सब जगह लग गई, और बहुत ही प्यारा लगता है ये भी। और दोनों एक साथ ही लगे हुए हैं, ये मोगरा और ये टिकोमा, 18 इंच के पॉट में मेरे, एक जोरा। पुराना टमाटर सबसे ज्यादा इसी ने दिया है मुझे, और अभी भी दे रहा है। ये देखो आप, नींबू से भी इस बार मैं पहली बार कुछ नींबू लूंगी। पिछली बार एक दो, जो पहली फसल होती है वो एक दो नींबू की थी, अब ये मेरा तैयार है मुझे नींबू देने के लिए। नींबू का प्लांट तो मैं हर 2 साल में चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इसके कांटे मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो अब किसी ये नया लगाया हुआ है मुझे। पिछली वाला भी बहुत ही अच्छा था मेरा, 12 मासी नींबू ही था वो भी, और ये लॉन्ग वाले जो नींबू होते हैं वो हैं ये बढ़िया। ये भी टमाटर अगर ख़त्म हो तो मैं इनको हटा के और साफ़ करूँ। ये स्टार फ्रूट अच्छा बढ़ गया, ये भी मैंने एग्जॉटिक फ्लोरा से मंगाया था। फिक तो मेरा 1.5-2 साल से चल रहा है यहाँ पे। मैंगो प्लांट ने भी बढ़त ले ली, सारे प्लांट्स बढ़ चुके हैं, मौसम था जो। मीठा नीम देखो आप, पुराने पत्ते झाड़ के सब नए आ गए हैं, और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अभी तो मैंने फ्लावर आज हटाए हैं, इसके फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं होती हमको। इसका मुझे ज़रूर दुख हुआ, प्लम का पेड़, हालांकि ये ग्राफ्टेड नहीं है, पर बहुत सारी लड़ियों में इसमें फ्लावर्स थे और सब जड़ गए हैं। कुछ चिड़िया कॉर्नर पर रखा हुआ ना, कुछ चिड़ियाँ नहीं छोड़ती, कुछ हवा से जड़ गए हैं। चलो कोई नहीं, इस सीज़न नहीं, नेक्स्ट सीज़न लेंगे, क्योंकि मुझे प्लम का बहुत शौक है, अच्छे अपने घर में उगते हुए दिखें मुझे। और ये मेरा स्टैंड वाला सेक्शन, जीनिया में फ्लावर्स आते हुए, ड्राफ्ट वाला ही है ये, पर मैं यही चाहती थी क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है, तो फिर वो ये आंधियाँ चलेंगी, तो स्टैंड पर रखे हुए हैं ऊपर, तो गिरने के चांस रहते हैं, तो ड्राफ्ट वाले अच्छे लगते हैं। यहाँ पे देखो आप मेरा 9 o'clock कितना प्यारा बड़ा हुआ है। जितने भी कलर्स थे मेरी नर्सरी में, एक एक पौधा मैं ले आई थी उनका, और अब वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पॉट में ऐसे ही बढ़ते रहते हैं, बस ये टहनियाँ निकाल निकाल के। शेडेड पिंक बहुत ही प्यारे लगते हैं ये, और अभी तो हाँ भरने तो लगाए एक दो जगह का सेक्शन, पर फिर भी और आएंगे अभी गर्मियों में। और ये कैप्सिकम अच्छी चलती हुई, 5-7 दिख रही है मुझे इसमें आती हुई, और काफ़ी बड़े साइज़ की आती है इसमें, पहले भी मैंने इसमें से 3-4 उतारी थी। ये क्या स्टैंड्स के बीच में 2 18 इंच के पॉट्स लगे हुए हैं ना, तो इन ये शायद धूप वूप से भी बच जाते हैं थोड़ा बहुत, अच्छे से तेज़ धूप से। भिंडी मेरी थोड़ी स्लो ग्रोथ कर रही है इस बार, और ये देखिए बहुत ही प्यारी लगती है भरी गर्मी में। आप इसका बुश देखो कोचिया का, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल प्यारा सा ग्रीन कलर। और बस ये वाला सेक्शन क्योंकि खुला रहने वाला है धूप के आगे, तो मैंने ज़्यादातर ऐसी चीज़ें लगा दी हैं, गोमफ्रीना वगैरह, जो है ना पूरी धूप बर्दाश्त कर सकें, और फ्लावर सेक्शन ही बना दिया है इसमें। मेरी वेजिटेबल्स में भिंडी ज़रूर लगी हुई है, कोई 2-4 पेड़ बड़े पॉट्स में, अदरवाइज़ मैंने ज़्यादातर देखो सदाबहार के भी मैंने काफ़ी सारे शेड्स लगाए हुए हैं इसमें। तो ये क्या आराम से गर्मी सहन कर लेते हैं, तो ठीक है, अदरवाइज़ सूखा पड़ा रहता है ये सेक्शन मेरा पॉट्स, तो मैंने ऐसे ही पॉट्स लगा दिए जिनको पानी भी कम चाहिए होता है। 9 o'clock है, सदाबहार है, अडेनियम है, देखो रडेनियम के सीड्स डाल दिए थे मैंने ऐसे ही, मेरे सामने ही उसकी है ना वो फली खुली थी और वो निकल आए हैं सब। ये तूफान में कल ही मैंने शिफ्ट किए थे ये भिंडी के, और उससे पहले ख़राब हो गए ये तूफान में थोड़े से। यहाँ की बेलों के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया था, तो मैंने अब हटाया है क्योंकि ग्रोथ नहीं ले पाती हैं बेल, अभी इतनी धूप नहीं है कि कवर की ज़रूरत हो। नेट मैंने अपने सामने ग्रो बैट्स में से भी हटा दिया था, क्योंकि आंधी तूफान आ रहे थे 2-3 दिन से, तो मुझे लग रहा था मैंने कहा ये मेरा परमानेंट इंतज़ाम तो है नहीं, थोड़ा टेम्परेरी सही था, तो मैंने हटा दिया फिर उसमें से। ये देखो कलरफुल, गर्मियों में अभी इन कलर्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है,
सर्दियों में तो प्लांट्स देख के दिल खुश हो जाता है, पर गर्मियों में ये कलर्स देख के बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो यहाँ से भी मैंने नेट हटा दिया है, क्योंकि टमाटर तो ठीक है जैसे भी चल रहे हैं, नेट को की ज़रूरत होती है उनको थोड़ी सी, बट है ना बाकी बेलों को अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी। ये खरबूजे की मेरी बेल है और फ्लावर्स दिख रहे हैं चारों तरफ इसमें, कोई भी दिन बस है ना। ये ककड़ी देखो आप, इसी के साथ नीचे निकली हुई है, बनने लगी है। तो ककड़ी खरबूजे का भी गर्मियों में इंतज़ार रहता है थोड़ा। ये रेड कैप्सिकम, ये क्या अभी बाकी सब प्लांट्स को काफ़ी धूप की ज़रूरत थी, तो मैंने नेट एक दिन ज़्यादा हवा चल रही थी तो हटा दिया, और कुछ परमानेंट इंतज़ाम भी करूँगी मैं। टमाटर हर जगह आए हुए हैं, पर नीचे से मेरे है ना टमाटर के पत्ते सूखते जा रहे हैं। जुकीनी में फिर से फ्लावर खिलने लगी, और सच में आप लोगों ने ठीक बताया था, बड़ी ही अच्छी है ना उसकी लौकी की जैसी सब्ज़ी बनी है, और सबको बहुत पसंद आई, लौकी से भी ज़्यादा टेस्टी लगी। धनिया बहुत ही प्यारा होता हुआ, कद्दू की बेल, ये कद्दू 406 वाला है मेरा, ऑरेंज जो होता था ना वो, और ये ककड़ी जल्दी से आने लगे हैं। बस ककड़ी का बड़ा इंतज़ार रहता है हम लोगों को, रोज़ चाहिए होती है। फिर ये फ्रेंच बीन लगी हुई हैं, कुछ फ्रेंच बीन बीच में मैंने मार दी थी अपनी बहुत ज़्यादा स्प्रे करके, फिर दोबारा आ गई है। तो बस सब्ज़ियाँ बिल्कुल ठीक चल रही हैं, बढ़िया। आपकी कैसी चल रही हैं बताना मुझे कमेंट्स में, और मैं ये इसीलिए दिखाती हूँ अपडेशन कि है ना आप लोग ये देखें कि बढ़िया मिट्टी जब अपन तैयार करते हैं तो किस तरह से ग्रोथ लेती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो हमारी भी ग्रोथ नहीं ले रही हैं, जिनकी प्रॉपर मिट्टी तैयार नहीं करी थी मैंने भी। लास्ट में ये जो टब वगैरह लगाए थे ना भिंडी के, मिर्च का पेड़ देखो कितना बढ़िया बढ़ रहा है मेरा, अब थू करूँ इस पर तो, क्योंकि मेरे अक्सर मिर्च के पेड़ है ना पत्ते मुड़ने वाले रोग से ग्रसित हो जाते हैं, फिर उन पर मेहनत करते रहो ठीक करने की, और मैं लगाती भी एक दो ही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती। तो ज़रूर बताओ मुझे भी कि आप लोगों की वेजिटेबल्स कहाँ तक पहुँची हैं, और अब अप्रैल आ रहा है तो अब 15 अप्रैल के बाद से तो रेगुलर वेजिटेबल्स मिलनी चाहिए। मेरा बस ये 1.5 महीने का 2 महीने का ही टाइम ऐसा रहता है जब मेरे को थोड़ी सी बाजार से है ना वेजिटेबल्स लेनी पड़ती है, क्योंकि बारिशों में तो सब चल रही होती है लगातार, वो सीज़न तो लगातार लेने में ही निकल जाता है, फिर सर्दी आ जाती हैं बारिशों में भी चल रही होती हैं, गर्मियों की उससे पहले चल रही होती हैं, पर ये जो है ना एकदम से ख़त्म होती है ना सर्दी वाला सीज़न, ये 1.5 महीने जाता है मेरा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, नमस्कार।